हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड एकेडमी। फ्यूल काफी लोगों का बहुत बड़ा खर्चा होता है एंड मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स पर फ्यूल स्पेंड्स पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते, पर आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कार्ड्स जिन पर आपको फ्यूल स्पेंड्स पर डिसेंट रिटर्न मिलता है। पहले हम ऑयल कंपनीज के साथ जो को ब्रांडेड कार्ड्स आते हैं उनमें बेस्ट कार्ड्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ऐसे कार्ड्स जो कि फ्यूल सेंट्रिक कार्ड्स नहीं है पर उन पर फ्यूल स्पेंड्स करने पर एक डिसेंट रिटर्न मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑयल को ब्रांडेड कार्ड्स डिस्कस करेंगे। तो दो ऐसे कार्ड्स जिन पर आपको फ्यूल स्पेंड्स पर अच्छा रिटर्न मिलता है उनकी बात करते हैं। तो पहला कार्ड है SBI BPCL ऑक्टेन कार्ड। तो SBI BPCL ऑक्टेन कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 1499 रुपए प्लस टैक्सेस, और आपको वेलकम बेनिफिट में 6000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स की वैल्यू 1500 रुपए होती है जब आप इन पॉइंट्स को BPCL के फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल डलवाते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग फी तो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाती है। अब अगर इस कार्ड पर फ्यूल रिलेटेड बेनिफिट्स की बात करें तो BPCL के स्टेशन पर आपके हर 100 रुपए के खर्च पर आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मैक्सिमम 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स का कैप है एक बिलिंग साइकिल में। तो क्योंकि हर एक पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसा, तो आपको 6.25% का रिटर्न मिलता है फ्यूल स्पेंड्स पर, विच इज वेरी गुड। लेकिन ये नोट करें, क्योंकि 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स का कैप है 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स वाली कैटेगरी में, तो आपको मैक्सिमम 10000 रुपए के फ्यूल स्पेंड्स पर ही ये रिटर्न मिलता है। पर ये 10000 की लिमिट काफी अच्छी है, स्पेशली अगर आप बाकी फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट से कंपेयर करें तो। एक डाउनसाइड इस क्रेडिट कार्ड की ये है कि रिन्यूअल फी वेव ऑफ करने के लिए आपके पिछले साल के खर्चे 2 लाख या उससे ऊपर होने चाहिए, जिसका मतलब आपको इस कार्ड पर नॉन फ्यूल स्पेंड्स भी करने पड़ेंगे रिन्यूअल फी वेव ऑफ करवाने के लिए, और नॉन फ्यूल स्पेंड्स पर आपको 1 से 1.5% का ही रिटर्न मिलेगा। तो चलिए SBI BPCL ऑक्टेन कार्ड के बाद अब हम जिस कार्ड की बात करेंगे वो है ICICI HPCL सुपर सेवर कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 500 रुपए प्लस टैक्सेस, और ज्वाइनिंग फी पे करने पर आपको मिलते हैं 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिन्हें आप HPCL के पेट्रोल पंप पर अगर रिडीम करते हैं तो आपको 500 रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो ज्वाइनिंग फी तो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाती है, लेकिन आपको इस कार्ड पर कोई भी रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलते हैं। फ्यूल रिलेटेड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको HPCL के फ्यूल स्टेशन पर हर 100 रुपए के खर्च पर आपको 16 पॉइंट्स यानी 4% का कैशबैक मिलता है, और इस कैशबैक पर एक महीने में 200 रुपए का कैप है, तो आपको एक महीने में मैक्सिमम 5000 रुपए की ट्रांजैक्शन पर ही एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। इस कार्ड पर अगर आप HP पे ऐप के थ्रू पे करते हैं तो आपको HP पे पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिससे आपका रिटर्न बढ़ के 5.5% हो जाता है। एंड इस कार्ड का भी सेम इश्यू है कि रिन्यूअल फी वेव ऑफ करने का क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके पिछले साल का खर्चा 1.5 लाख या उससे ऊपर का है तभी आपकी रिन्यूअल फी वेव ऑफ होती है। तो ये कार्ड जिनका मंथली फ्यूल स्पेंड 5000 रुपए या उससे कम का है वो इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन 14 से 15000 रुपए के फ्यूल स्पेंड्स करता है एक महीने में, तो वो SBI BPCL ऑक्टेन कार्ड के साथ इस कार्ड को ले सकता है। ICICI HPCL सुपर सेवर कार्ड से थोड़ा बेटर कार्ड एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट है बैंक ऑफ बड़ौदा HPCL एनर्जी कार्ड। लेकिन हमने ये कार्ड इसलिए मेंशन नहीं करा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक ऑफ बड़ौदा का सपोर्ट काफ़ी ख़राब है, और साथ ही साथ काफ़ी यूजर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी इनकंसिस्टेंट है पॉइंट्स को क्रेडिट करने में। खैर, इन द एंड हम फ्यूल ब्रांडेड कार्ड्स पर यही बोलेंगे कि सभी फ्यूल को ब्रांडेड कार्ड्स पर सेम ही इशू है कि बहुत से फ्यूल स्टेशंस पर जब आप पॉइंट्स से फ्यूल पेमेंट करते हैं तो या तो वहाँ पर पॉइंट्स से पेमेंट एक्सेप्ट करने की मशीन नहीं होती या उन्हें समझ नहीं आता, तो ये बात को ज़रूर ध्यान में रखें ये कार्ड लेने से पहले। चलिए अब एक ऐसे तरीके की बात करते हैं जिससे आप BPCL के वाउचर्स ले सकते हैं SBI के योनो ऐप के थ्रू। तो अगर आप ये वाउचर कैशबैक SBI कार्ड के थ्रू खरीदते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है, तो इस तरीके से आप फ्यूल स्पेंड्स पर भी रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले HDFC बैंक के स्मार्ट बाय और एमएक्स के रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पे HP पे के वाउचर्स मिलते थे, इन वाउचर्स से आप रिटर्न अर्न कर सकते थे फ्यूल स्पेंड्स पर भी, लेकिन अब वो बंद हो गए हैं। एक इशू जो आपको एक कंपनी के कार्ड या वाउचर लेने पर होगा वो यही है कि आप एक ही कंपनी के साथ टाई अप हो जाते हैं। अगर आपके घर या ऑफिस के पास उस कंपनी का फ्यूल स्टेशन नहीं है
तो आप फ्यूल स्पेंड्स पर जितना रिटर्न कमा रहे हो उतना या उससे ज्यादा आप स्पेंड कर सकते हैं किसी ऐसे फ्यूल स्टेशन पर जाने में जहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम नॉर्मल कार्ड्स की बात करते हैं जिन पर आपको ठीक बेनिफिट्स मिल सकते हैं फ्यूल स्पेंड्स पर। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड अल्टीमेट कार्ड के साथ। तो इस कार्ड पर हर स्पेंड्स पर 3.3% का रिटर्न अर्न कर सकते हैं चाहे वो किसी भी टाइप के स्पेंड्स क्यों ना हो, और इस पर फ्यूल पर भी रिटर्न मिलेगा और अपर कैप भी नहीं है रिटर्न में। इसके बाद बात करते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड की। इस पर आपको डायरेक्टली फ्यूल स्पेंड्स पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर इस कार्ड पर जो मंथली थ्रेशोल्ड स्पेंड्स हैं उनमें अगर आप फ्यूल स्पेंड्स करते हो तो वो काउंट होगा। तो अगर आप इस कार्ड पर महीने में 4 ट्रांजैक्शन करते हैं कम से कम 1500 रुपए की तो आपको 1000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, और ये 4 ट्रांजैक्शन आप फ्यूल पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक महीने में 20000 रुपए का खर्चा करते हैं इस कार्ड से तो आप 1000 बोनस पॉइंट्स और अर्न कर सकते हैं। अगर आप इस कार्ड को एक्सक्लूसिवली फ्यूल स्पेंड्स के लिए यूज करते हैं तो आपको इस कार्ड पर अराउंड 2.5 से 6% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप इन पॉइंट्स को पे विद पॉइंट्स या किसी और ऑप्शन के लिए रिडीम करते हैं। तो अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो कार्ड पर आप रेगुलर खर्चे करते हैं उससे आप ज़्यादा रिटर्न ले पाते, लेकिन ऑफर ना पता होने की वजह से आप वो मिस आउट कर जाते हैं। तो ऐसा कभी ना हो उसके लिए आप क्रेड ऐप यूज कर सकते हो। क्रेड आपको रियल टाइम में आपके क्रेडिट कार्ड पर जो भी एक्टिव ऑफर्स चल रहे होते हैं उन्हें एक जगह दिखा देता है। क्रेड से आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को इजीली मैनेज कर सकते हो, और जो इस ऐप का मेन यूएसपी है वो ये है कि आपको आपके कार्ड के टाइमली रिमाइंडर्स फॉर ऑल योर बिल पेमेंट्स मिल जाते हैं, विच इज वेरी सीमलेस। क्रेड से आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के साथ ही बाकी बिल पेमेंट्स जैसे कि रेंट, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन फीस एक्सेट्रा भी पे कर सकते हैं थ्रू BBPS ऑन क्रेड ऐप, और आपको मिल सकते हैं अमेजिंग रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स। तो आज ही क्रेड ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को यूज करके अपने फर्स्ट बिल पेमेंट पर अर्न करें अप टू ₹250 का कैश। सिमिलर टू अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड चार्ज कार्ड में अगर आप महीने में 6 ट्रांजैक्शन करते हैं मिनिमम 1000 रुपए की या उससे ऊपर की तो आपको 1000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, और इस कार्ड पर आपको फ्यूल स्पेंस पर हर 50 रुपए के खर्च पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अगर इस कार्ड पर आप सिर्फ इतना ही खर्चा करते हो और फ्यूल स्पेंस पर, तो आपका रिटर्न 4 से 8% तक का हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे इन पॉइंट्स को रिडीम करते हो। अमेरिकन एक्सप्रेस के प्लैटिनम चार्ज कार्ड पर भी फ्यूल स्पेंड्स पर पॉइंट्स मिलते हैं। इस कार्ड पर आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 5 MA पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आप अराउंड 2 से 4% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप उन पॉइंट्स को कैसे रिडीम करते हैं। बट एक चीज नोट करें कि अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स में फ्यूल सरचार्ज वेवर सिर्फ HPCL के फ्यूल स्टेशन पर ही मिलता है। तो ये थे कुछ कार्ड्स और कुछ तरीके जिससे आप फ्यूल स्पेंड्स पर मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हैं। फ्यूल में आप काफी लिमिटेड रिटर्न ही अर्न कर सकते हैं अनलाइक अदर कैटेगरीज, क्योंकि ये काफी लो मार्जिन बिजनेस है। अगर आपको कोई हैक पता हो जिससे बेटर रिटर्न अर्न कर सकते हैं फ्यूल स्पेंड्स पर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।